ರಜೌರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೌಶೇರಾ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ರಜೌರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೊತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. भारत माता की. और हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए. मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं. और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं. तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूँ. आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता है. और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूँ, आज उसको 20 साल से वैदिक समय हो गए, बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया. पहले गुजरात वालों ने दिया, देशवासियों ने दिया, लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है. आज मैं फिर आपके बीच आया हूँ, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊँगा, नया उमंग लेकर के जाऊँगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा. लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं. आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा. और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे. और मुझे पक्का विश्वास है आप कहेंगे, हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे.